तो फाइनली दोस्तों इंडियन रेलवे के द्वारा बिहार जाने वाले सभी लोगों को दिवाली का तोहफा दे दिया गया है। क्योंकि मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बता दूं कि हर साल दिल्ली से बिहार जाने वाले लोगों की संख्या 5 लाख से भी ज्यादा देखने को मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि ये सभी 5 लाख से भी ज्यादा लोग ट्रेन से सफर करते हैं। लेकिन इस बार इंडियन रेलवे के द्वारा इन सभी लोगों के सफर को और भी ज्यादा कम्फर्टेबल बनाने के लिए एक काफी बड़ा डिसीजन लिया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दोस्तों करेंटली इंडिया के अंदर फेस्टिवल सीजन चल रहा है, जिसके कारण हमें रेलवे स्टेशन पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ भी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों दिल्ली में काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो कि हर साल बिहार जाते हैं छठ पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए। और अब आपको ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि इन सभी लोगों के लिए अब इंडियन रेलवे के द्वारा नई दिल्ली से पटना के बीच में एक स्पेशल वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाने वाला है। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि नई दिल्ली और पटना के बीच में चलाया जाने वाली जो ये वंदे भारत ट्रेन है, ये अभी तक का वंदे भारत ट्रेन के द्वारा तय किया गया सबसे लंबा रूट होगा। क्योंकि नई दिल्ली और पटना के बीच में चलाया जाने वाली ये वंदे भारत ट्रेन लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे रूट को कवर करेगी। और दोस्तों इस वंदे भारत ट्रेन को 1001 किलोमीटर लंबे डिस्टेंस को कवर करने में टोटल 10 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। और अगर बात करें कि इस वंदे भारत ट्रेन को न्यू दिल्ली से पटना के बीच में कब से चलाया जाएगा, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस ट्रेन को पहली बार 11 नवंबर को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलाया जाएगा। और इस वंदे भारत ट्रेन में भी आपको टोटल 16 कोच यानी कि टोटल 16 डब्बे देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें इस ट्रेन की टाइमिंग्स के बारे में, तो जो लोग न्यू दिल्ली से पटना जाना चाहते हैं उनके लिए इस वंदे भारत ट्रेन को सुबह के 7:30 पर चलाया जाएगा और ये ट्रेन बिहार के पटना में शाम को 7 बजे पहुंच जाएगी। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।